मानव जीवन में वाणी और वचन इसका भी अत्यधिक महत्व माना गया है। एक वचन वो है जो चित्त को हर लेते हैं, प्रभावित करते हैं, विमुग्ध कर लेते हैं, और एक वचन वह है जो मन को घायल करते हैं, आघात पहुंचाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। ये बात हम बाल्यकाल से, प्राथमिक शिक्षा से, घर में, शैक्षिक संस्थान में, समाज में, ये बात हम बार बार सुनते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे, अवसर के बिना हम कुछ भी कह दें, समय अनुकूल हम कोई बात न कहें, व्यक्ति के पद उसकी गरिमा को देखकर बात न करें, तो भाषा का जो चयन है, शब्दावली का जो चयन है, उसका तो महत्व है ही, लेकिन जिह्वा पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है कि गलत बोलने से अच्छा न बोलना है, चुप रहना कहीं बेहतर है, और यदि बोलें तो नाप तोल कर बोलें, उतना ही बोलें जितना अपेक्षित है। इसीलिए बार बार संतों ने, कवियों ने अलग अलग तरह से इस बिंदु को उद्घाटित किया। संस्कृत में तो यह भी कहा गया, शतम वद मा लिख, सो बातें बोल लीजिए लेकिन लिखिए एक भी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लिखना मना है, इसका अर्थ है कि यदि कुछ भी लिखें तो पहले सोचें कि आप क्या लिख रहे हैं, उसके औचित्य अनौचित्य पर, उसकी सार्थकता निरर्थकता पर विचार कर लें, क्योंकि एक बार यदि वो कागज पर, फाइल पर, कॉपी पर लिख दिया तो फिर वह दस्तावेज बन जाता है, उसे वापिस नहीं लिया जा सकता। जवानी जमा खर्च तो वापिस लिया जा सकता है, क्षमा याचना कर लें, लेकिन लिखित में यदि कुछ चला गया तो वह फिर रिकॉर्ड पर आ जाता है। इसीलिए कबीर ने कहा, कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल। ये जो जिह्वा है हमारे पास, जिसको हम चबड़े की जबान कहते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी फिसलती है, इसीलिए अंग्रेजी में तो स्लिप ऑफ टंग भी कहा जाता है। कबीरा जिह्वा बावरी, यह जो जिह्वा है यह अविश्वसनीय है, यह नियंत्रण में नहीं रहती, जब बोलने पर आती है तो स्वर्ग से पाताल तक पूरा नाप देती है। इसलिए हम कहते हैं कम बोला करो, क्योंकि कम बोलना गलत बोलने से बेहतर है, न बोलना भी बेहतर है, क्योंकि मौन भी वाणी से अधिक मुखर होता है अनेक बार। इसलिए यह जिह्वा जो है बावरी है, अविश्वसनीय है, स्वर्ग से पाताल तक पूरा नाप देती है, जब बोलने पर आती है, रोकना चाहे तो रुकती नहीं। आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल, लेकिन यह भी कहा कि यही जिह्वा अनाप शनाप अवांछित कुछ भी चकर चकर बोल जाती है और खुद कहकर भीतर चली जाती है, मुख के भीतर जाकर छिप जाती है, दांतों का ताला लग जाता है, सुरक्षित हो जाती है, लेकिन जूते खात कपाल पर यदि गलत बोलें, अनर्गल बोलें, अवांछित बोलें, तो फिर उसका खामियाजा, उसका नुकसान सर को, खोपड़ी को भुगतना पड़ता है। तो गलती जिह्वा की है जो बावरापन करती है और न जाने क्या क्या बोलती चली जाती है।
तो वाणी पर संयम होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, वचन सुखद होने चाहिए, दुखद नहीं होने चाहिए, किसी के लिए कष्टप्रद ना हो, इसलिए मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसलिए बोलो तो मीठे वचन बोलो, कड़वे वचन मत बोलो, अवांछित अनर्गल अनाप शनाप भी मत बोलो। इसलिए जिह्वा को नियंत्रण में संयम में रखना चाहिए। फिर कभी कहता है कि भले बुरे सब एक से, जोलो बोलत नाई। ये तो बात ठीक है कि जब तक व्यक्ति पशु पक्षी बोलता नहीं है, चुप रहता है, तब तक तो यह पता नहीं लगता कि कौन कैसा है, किसका स्वभाव, किसकी दृष्टि, किसकी मानसिकता, किसका दर्शन, ये कैसा है। क्योंकि भाषा जो है वो संस्कृति की वाहिका है, वाणी जो है वो व्यक्तित्व की परिचायक है, चाहे मौखिक हो या लिखित हो। इसलिए कवि कहता है भले बुरे सब एक से, जोलो बोलत नाई, जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के बाई। देखने में तो कौआ और कोयल एक से ही प्रतीत होते हैं, यदि वृक्ष पर बैठे हों, दूर बैठे हों, हम उन्हें देखें तो ये अंतर कर पाना बड़ा कठिन होता है कि कौआ है या कोयल है, क्योंकि दोनों का रूप स्वरूप आकार काफी हद तक मिलता है। लेकिन बसंत ऋतु के अवसर पर यह स्पष्ट पता लग जाता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है, क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल जब बोलती है तो मधुर स्वर लहरियां विकीर्ण करती है, और कौआ जब बोलता है तो कर्कश वाणी में बोलता है। तो कौवे की कर्कशता और कोयल की मधुर वाणी, ये जब तक वो बोलते नहीं तब तक ज्ञात नहीं होती। यही मनुष्य के साथ है, वह जब बोलता है तो कैसा व्यक्ति है, कैसी भाषा है, कैसा शब्द चयन है, कैसा वाक्य विन्यास है, कैसी उसकी भाषा संपदा है, इन सब के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए कबीर ने कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि अपना चित्त तो शीतल हो ही, मन को तो अच्छा लगे ही, लेकिन दूसरों को भी शीतल करे और अपने को भी शीतलता दे। ऐसी वाणी का चयन, ऐसी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान। मीठी वाणी बोलने से, मधुर वचन बोलने से यदि किसी के मनोमस्तिष्क में नाराजगी है, क्रोध है, अभिमान है, तो ऐसे उत्तम जन का, भल मानस का क्रोध भी अभिमान भी दूर हो जाता है यदि हम उससे माधुर्य भरे वचनों में, मिठास भरे वचनों में बात करें। तो उत्तम व्यक्ति की पहचान क्या है कि उसका क्रोध क्षणिक होता है, तात्कालिक होता है, और उससे यदि कोई विनम्रता से, आत्मीयता से, माधुर्य परिपूर्ण वचनों से बात करे तो उसका क्रोध दूर हो जाता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान, जैसे दूध उबल रहा हो अग्नि पर और उसमें थोड़ा सा ठंडा जल, ठंडा पानी छिड़क दें, ऊपर से डाल दें, तो वह जो उबाल है वो कम हो जाता है। बहुत सुंदर सादृश्य दिया
कवि ने, और बताया कि उत्तम व्यक्ति की पहचान क्या है और मधुर वचनों का महत्व क्या है। दोनों ही बातों को एक सादृश्य से उबलते हुए दूध में थोड़ी सी जल की बूंदें डालें तो उसका उफान दूर हो जाता है। सज्जन के वचन, उस पर भी कवियों ने चिंतन किया, विचार किया कि सज्जन व्यक्ति यदि कुछ बोलता है, कुछ कहता है, तो उसमें भी कुछ हित छिपा रहता है, उसके भीतर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छिपे रहते हैं। अशुभ कहत सोई होत शुभ। बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, माता पिता, अग्रज कभी कभी हमें कुछ कहते हैं तो हमें सुनने में बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि ये उपदेश दे रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारी कमियां निकाल रहे हैं। जबकि रहीम ने तो यहां तक कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करें सुबाए। अपने आसपास हमें ऐसे कुछ लोगों को, मित्रों को, परिकर के सदस्यों को रखना चाहिए जो हमारी कमियां, हमारे दोष ये निकालते रहें, हमारी निंदा करते रहें। क्योंकि जब हमारी निंदा होती है, आलोचना होती है, तो हम सावधान हो जाते हैं, फिर हम अपनी दोष, अपनी कमियों को यथासंभव कम करते हैं या उनसे बचते हैं। तो सज्जन लोग, सज्जन व्यक्ति, साधु, संत, ऋषि, मुनि, शिक्षक, गुरुजन, माता पिता, यदि कुछ बुरा भी कहें, डांट दें, आलोचना करें, दोष दर्शन करवाएं, तो उसमें भी कुछ हित छिपा होता है। अशुभ कह तो हुई सोई होत शुभ, कह लगता है कि अशुभ कह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो शुभ होता है। सज्जन वचन अनूप, इसलिए सज्जनों के, सत जन, सत को धारण करने वाले जो लोग हैं, उनके वचन अनुपम होते हैं। श्रवण पिता दिए दस रथहीं, श्राप भयो बर रूप। बहुत सुंदर पुरा कथा से, पुरा आख्यान से सादृश्य दिया, उदाहरण दिया कि जैसे श्रवण ने, श्रवण के पिता ने, जब वो माता पिता को कंधे पर लेकर जल के लिए नदी के तट पर ले गए, तो पानी भरकर जब वो माता पिता के लिए लौट रहे थे, तो दशरथ ने किसी भाई से त्रस्त होकर बाण चला दिया, श्रवण घायल हो गए और प्राण छोड़े। तो श्रवण के पिता ने श्राप दिया दशरथ को कि जैसे पुत्र विछोह में हम प्राण त्याग रहे हैं, माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए, ऐसे ही पुत्र विछोह में तुम भी प्राण त्यागोगे। दशरथ को ये श्राप दिया श्रवण के माता पिता ने। कवि कहता है कि वो श्राप भी सज्जन वचन की तरह फलित हुआ, और यदि दशरथ को वो श्राप न मिलता तो राम, लक्ष्मण, सीता वन गमन न करते, और वन गमन न करते तो ऋषि मुनियों की रक्षा असुरों से, राक्षसों से कौन करता। तो वनगमन भी वरदाई हो गया साधु संतों के लिए, सज्जनों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, असुरों से रक्षा का कारक बन गया। इसलिए सज्जन वचन भी भले ही अशुभ प्रतीत होते हैं, लेकिन होते वो शुभ हैं। गुण संग्रह भी जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है,
महत्वपूर्ण होता है। कवि कहता, आडंबर तज कीजिए गुण संग्रह चित चाय। आडंबर का त्याग करना चाहिए, दिखावा, बनावटीपन, कृत्रिमता, इसको त्याग देना चाहिए और इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जहां गुण हो उसका संग्रह करना चाहिए, अपने हृदय में, अपने चित्त में इस भाव को हमें लाना चाहिए कि गुण ग्राहक बने, क्षीर रहित गऊ ना बिके, आनीय घंट बंधाए। कोई भी व्यक्ति अपने घर में ऐसी गाय लाकर खरीद कर नहीं बांधेगा जो क्षीर रही, क्षीर माने दूध, ऐसी गाय जो दूध ना देती हो, इसे कौन खरीदेगा? हमेशा दुधारू गाय की ही कीमत होती है, दूध देने वाली गाय ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसके ग्राहक होते हैं। अन्यथा दूध न देने वाली क्षीर रहित गऊ को न तो कोई खरीदता है और न अपने घर में लाकर कोई बांधता है। उसके गले में पड़ी हुई घंटी की आवाज सुनने के लिए कोई गाय नहीं खरीदता। गाय तो दुग्ध प्राप्ति के लोभ में खरीदी जाती है। अब कवि कहता है, एक दशा निबह नहीं जन पछतावहु कोई। कोई दुनिया में, संसार में जो भी आए हैं वो सब एक समान अवस्था में नहीं रहते, कभी सुख और कभी दुख। ये जो जीवन है, जीवन धारा है, नदी है, इसके दो तट हैं। एक तट पर सुख है तो दूसरे पर दुख है। ये जो धारा है ये कभी इस तट से टकराती है, कभी उस तट से टकराती है। इसलिए अच्छा बुरा, सुख दुख, शांति अशांति, कभी भी एक सी दशा नहीं रहती। एक दशा निबह नहीं जन पछतावहु कोई। इसलिए बुरा समय आने पर, अशुभ या अहितकर समय आने पर प्रायश्चित नहीं करना। ये तो गति है, समय का चक्र है, काल चक्र है, चलता है। इसलिए पछताना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। रवि हूं कि एक दिवस में तीन अवस्था होए, कि सूर्य की भी, वो भी एक अवस्था में नहीं रहता। सूर्य जो है वो आसमान में एक ही दिन में तीन अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। एक अवस्था जब उसका उदय होता है, सूर्योदय। दूसरी अवस्था जब वो अपने पूरे तेज पर होता है मध्याह्न में, दोपहर के समय, जिसको मारतंड कहते हैं। और तीसरी अवस्था जब उसको अस्त होना होता है। तो हम सबके जीवन में भी इसी तरह एक अवस्था, सब दिन रहत ना एक समान, एक समान दिन किसी के भी नहीं रहते। स्वयं भगवान कृष्ण को, भगवान राम को भी उन तमाम चुनौतियों का, समस्याओं का, कष्टों का सामना भी करना पड़ा। तो एक तरह से सांत्वना दी, यह बोध कराया, यह मूल्य कि धैर्य रखो। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फिर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। अच्छे दिन भी आएंगे, जब आएंगे तो सारे काम अनायास स्वतः बनते चले जाएंगे। ये दिनों का फेर है और इन दिनों के फेर का, समय और काल चक्र का सामना सबको करना पड़ता है। संतोष से बड़ा धन जीवन में, सृष्टि में अन्य कोई नहीं है, क्योंकि धैर्य, संतोष, जो जितना ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मानव स्वभाव है कि जिसके पास हमसे ज्यादा है उसकी तरफ देखता है, जिसके पास हमसे कम है या हमारी तुलना में है ही नहीं उसकी तरफ नहीं देखता। इसलिए देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी,
दूसरे की थाली में खाना जो है चुपड़ा हुआ घी से आसन्न दिखाई देता है, तो दूसरे की थाली को देखकर उसमें घी से युक्त भोजन को देखकर अपना जी मत ललचाओ। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, जो ईश्वर ने दिया जितना दिया, जिसके हम पात्र हैं, जिसके हम योग्य हैं, उतने में हमें संतुष्ट होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। यदि अवसर होगा, समय होगा, हमारे कर्म, हमारी साधना, हमारा उद्यम फलित होगा तो हमें उससे ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन ईर्ष्या न करें दूसरे की उपलब्धि को देखकर। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ही न भूल। कवि बिहारी लाल ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव क्या है कि सुख में तो विधाता को भूल जाता है और दुख में उसे याद करता है। कबीर भी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। वही बात बिहारी ने भी कही कि सुख के समय साईं को, विधाता को, ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। ये मानव स्वभाव है कि जब सुखी होता है, संपन्न होता है, धन वैभव से युक्त होता है तो ईश्वर को भूल जाता है, जब कष्ट आता है, विपदा आती है तो भगवान याद आते हैं। तो दीर्घ सांस न ले ही दुख, दुख में ठंडी ठंडी लंबी लंबी सांसें मत ले, और सुख में ईश्वर को भूल मत। दई दई क्यों करत है, मनुष्य का स्वभाव है जब दुखी होता है तो हे प्रभु हे प्रभु, हे देव हे देव, हे भगवान ऐसा करता है। तो दई दई क्यों करत है, दई दई सुख भूल। यहां दई पहले दई का अर्थ है देव ने, विधाता ने दई जो दिया है उसे कबूल कर। जितने का तू पात्र है, जितने जैसे तेरे कर्म है वैसा और उतना तुझे ईश्वर ने दिया है, उसी को कबूल कर और राग द्वेष से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दूसरे की प्रसन्नता से दुखी मत हो। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो इस दृष्टि से भी कवि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। दूसरी तरफ, जन पंडित विद्या तजऊं, धनी मूरख अवरेख। किसी धनवान मूरख को देखकर, यानी कोई मूर्ख व्यक्ति है और बहुत पैसा है उसके पास, अब हम उस धनवान मूर्ख को देखकर अपना ज्ञान, अपना पांडित्य, अपनी विद्या का त्याग नहीं कर देते, करना भी नहीं चाहिए। कि साहब मूर्ख आदमी धनवान होता है इसलिए हम भी मूर्ख बन जाएं, ऐसा तो नहीं होता। तो जनी जनी माने मत करो, पंडित विद्या तजऊं, अपनी विद्या, अपना पांडित्य, इसका त्याग मत करो। किसी मूर्ख को, धनवान मूर्ख को देखकर, कुलजा सील न परिहरे, कुलटा भूषित देख। ठीक वैसे ही जैसे किसी कुलटा को आभूषणों से युक्त देखें, ढेर सारे आभूषण किसी वेश्या ने, कुलटा ने धारण किए हों, तो जो कुलजा है, जो कुल वधु है, जो कुल की स्त्री है, वो अपने शील का त्याग नहीं करती। कुलजा की पहचान है, कुल वधु की पहचान है कि वो अपने शील, अपनी मर्यादा, इसको सदा सर्वदा अपने पास रखती है। इसी तरह सदसंगति की बात भी हमारे यहां की गई। जी प्रसंग दूषण लगे, तजिए ताको साथ। जिस गली में जाने से, जिस संगति में जाने से कलंक लगे, दोष लगे, तत्काल उसका साथ छोड़ देना चाहिए, वो रास्ता बदल देना चाहिए। मदिरा मानत है जगत, दूध कलाली हाथ। ठीक वैसे ही जैसे दूध बेचने वाला दूध के पात्र में यदि
मदिरा को लेकर जाता है और मदिरा बेचने वाला यदि पात्र में दूध को लेकर जाता है, ठीक विपरीत स्थिति है। तो समाज तो उस व्यक्ति के आचरण से, उसके कृत्य से उसका मूल्यांकन करता है। इसलिए यदि शराबी, यदि मदिरा का व्यापारी अपने पात्र में दूध लेकर भी जाए तो लोग यही समझते हैं कि वह शराब लेकर जा रहा है। इसलिए मित्रों, यह बात कि जिन मूल्यों को हम भारतीय ज्ञान परंपरा के रत्न मानते हैं, जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, उन मूल्यों को साहित्य और संस्कृति से जोड़कर, उनमें पिरोकर हमारे रचनाकारों ने, हमारे साहित्यकारों ने साहित्य की गद्य पद्य रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया, यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। हम कृतज्ञ हैं उन चिंतकों, उन विचारकों, उन लेखकों के प्रति जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय मूल्य परंपरा को साहित्य में पिरोकर सुरक्षित और संरक्षित किया। इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।